हे गाइस, वेलकम टू अवर चाइना गीतांजलि हिल्स एंड थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने मेरे लिए विश करी और मेरे हेल्थ को लेकर आपने बोला, प्रे किया, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत पर्सनल मैसेज आए थे। यस, थोड़ा रेस्ट लेना भी शायद ज़रूरी होता है। यूनिवर्स का शायद यही कहना था कि अपने लिए भी टाइम निकालो, खुद के लिए थोड़ा रेस्ट करो, शायद ये नेसेसरी था मेरे लिए। कोई बात नहीं, अब ना हम लोग रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। आज का टॉपिक है कि क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, फाइनल आउटकम क्या रहेगा आपके रिलेशनशिप का, और ये देखेंगे और कि एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। वैसे कोशिश तो कर रही हूँ गाइज, वैसे रेस्ट ही की थी बट फिर भी मुझे लगा कि कम से कम एक वीडियो तो डालूँगी मैं। थोड़ा और टाइम लगेगा मुझे रिकवर होने के लिए, बट आप लोग समझ लेंगे, मुझे अच्छे से पता है क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है। रेस्ट आपको क्या करना है, रेस्ट आपको छोड़ देना है। चलिए फोकस करते हैं रीडिंग के ऊपर। कॉल करते हैं प्यारे आर्केंजल माइकल को। जो आर्केंजल माइकल प्लीज़ आइए, आर्केंजल रफाइल प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो अभी इस वक्त उनके पास उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। माफ़ी मांगना चाहते हैं आपके पर्सन, आपको अपोलॉजी आपके टूवर्ड्स सन आ रही है। आपको ये पर्सन प्रपोज भी कर सकते हैं, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं अगर इन्होंने कुछ किया था, क्योंकि टेन ऑफ हैंड्स की भी एनर्जी है, एक हैवी एनर्जी है, या तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर इनके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपको प्रायोरिटी उन्होंने दी नहीं थी और इसीलिए ये आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे थे, आपके बारे में नहीं सोच रहे थे। अभी शायद आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया है, ये आपका भार कम करने के लिए आपके टूवर्ड्स आपके लाइफ में आना चाहते हैं। बट आपके पास, जी हाँ, थर्ड पार्टी थी, आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी या फिर अभी भी है, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को शायद छोड़ नहीं सकते क्योंकि थर्ड पार्टी में शायद इनकी शादी हो गई है, इनके बच्चे हैं, आपके साथ इनिशिएट करना चाहते हैं, और आपके साथ मैरिड होने के बावजूद इन्होंने कोई थर्ड पार्टी रखी थी, तो ये पर्सन उस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहते थे। हाँ, ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे और ये आप ही ने सारा रिलेशनशिप का जितना कुछ भी बर्डन था बोझ था आप ही अकेले लेके चल रहे थे। तो आप चालीस रिकन्सिलेशन रियूनियन के बार बार चांसेस आ रहे गए, हो सकता है वीडियो देख रहे तभी आपके पर्सन के साथ आपकी बात हो रही है या फिर हो जाएगी, इफ वन डे, वन आवर, वन वीक का भी समय मुझे लग रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में तो आ रहे हैं, सन की एनर्जी के साथ आया है, इनिशिएट करना चाहते हैं, नैना पेंटेकल भी आ रही है मैसे। अगर थर्ड पार्टी कुछ ऐसे पर्सन है जिनको ये छोड़ नहीं सकते, बस इतना ही मलाल शायद आपको भी है, आपके पर्सन को भी है। वास्तविक मात्रा में देखा जाए तो आपके पर्सन आप ही के साथ इस रिलेशनशिप को अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आप ही के साथ फैमिलियर होना चाहते हैं, ये पर्सन आप ही के साथ अपना ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। आपके पर्सन काफ़ी एम्बिशियस रहे हैं या फिर एम्बिशियस है, वर्कहोलिक है, इनके ऊपर या तो काम आपके लिए थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है, या तो इनके लाइफ में इनके ऑलरेडी शादी हो गई, या फिर इनके पेरेंट्स और इनके ऊपर काफ़ी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और अगर आपके साथ भी शादी हो गई है तो मुझे लगता है आपकी जॉइंट फैमिली है, और अगर न्यूक्लियर फैमिली भी है तब भी आपके पर्सन बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं। ऐसे में आपके लिए इतनी प्रायोरिटी आपके पर्सन से आती नहीं है और इस बात से आप काफ़ी मायूस है। आप खफा खफा रहते हैं, आप ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि आप नाराज़ हैं आपके पर्सन के इस रवैये से। बट इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ वो इनिशिएट करना चाहते हैं, इनको लगता है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप ब्राइट है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं। कल तक शायद ये बात समझ नहीं रहे थे बट अब ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं।
पास्ट लवर, ये पर्सन जस्टिस देने के लिए, न्याय देने के लिए आपके लाइफ में आ रहे, कोई थर्ड पार्टी थी तो कोई लीगल मसला था, तो मुझे लगता है वो सॉर्ट हो गया या फिर सॉर्ट होने वाला है। ये पर्सन आपसे कोर्ट मैरिज की सिफारिश भी कर सकते हैं, ये भी बात हो सकती है। एक ऐसा मैरिज जो आप दोनों में है बट जो काफ़ी फुलफिल है। हाँ, थर्ड पार्टी के पास चले गए थे क्योंकि लोग बहुत जेलस थे, या फिर थर्ड पार्टी नहीं, आप दोनों ने शायद बहुत ज़्यादा झगड़े लगा दिए थे, इसकी वजह से पर्सन आपके लिए कभी सीरियस रहे नहीं। ये जब आते थे, जब चले जाते थे, हार्ट ब्रेक इन्होंने काफ़ी किया है क्योंकि लोगों के बातों में आ गए थे, हार्श वर्ड हुए हैं आप दोनों के, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और वो भी बड़े पैमाने पर। आपका भी दिल टूटा था और आपकी बातों से इनका भी दिल टूटा था, बट अब ये पर्सन ये सारी बातें सॉर्ट करना चाहते हैं। टेन ऑफ पैंट्स की एनर्जी बताइए मुझे। टेन ऑफ पैंट्स को क्लियरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ पैंट्स। अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो ये आसानी से छोड़ नहीं सकते हैं, तो आपके लिए ये बात चीटिंग जैसी ही होगी कि ये पर्सन ने आपको चीट किया था। थर्ड पार्टी के पास भाग कर चले गए थे ये पर्सन, और वहाँ जाके जब आपके पर्सन ने सारा बर्डन अपने ऊपर ही झेला, इनके ऊपर ही आ गया ये सारा बर्डन, जैसे कि इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, साइकोलॉजिकल हो, सब एंगल से आपके पर्सन बर्डन उठाते हुए लग रहे हैं। और जब ये पर्सन आपके साथ ये कर थर्ड पार्टी के साथ गए थे, तो थर्ड पार्टी ने भी उनको यही प्रसाद दिया जो आपके पर्सन आपको देके गए थे, क्योंकि ये सेम चीज़ें आप भी झेल रहे थे। आपके पर्सन से भी एफआई, आपके पर्सन से मिली हुई चीटिंग, इसके वजह से हुआ आपका ये इतना सारा बर्डन, इमोशनल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आपने अपने कंधे के ऊपर उठाई थी इस पर्सन की बेवफाई की वजह से, इस पर्सन की चीटिंग की वजह से। अगर यहाँ पे कोई सिंगल भी देख रहा है, तो आप आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में बड़े डटे रहे थे हमेशा साथ देने के लिए, बट आपके पर्सन ही भाग गए थे इनके फैमिली की बातों में आकर, क्योंकि इनकी फैमिली को शायद आपका रिश्ता मंजूर नहीं था और उन्होंने आप ही के लिए कुछ, आप ही के खिलाफ आपके पर्सन के कान भरना शुरू कर दिए थे, या फिर उनको कुछ अलग सपने दिखाए थे और आपके पर्सन उस झांसे में आकर चले गए थे। ऐसे में आपके ऊपर जो बात आ गई थी कि जैसे कि आपके फैमिली के सामने आप खुद एक्सपोज हो गए, या फिर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं था लोगों के मुँह बंद करने का, और ऊपर से जो इमोशनल प्रेशर आप झेले जा रहे थे, अब आपको ट्रस्ट नहीं है आपके पर्सन की हरकतों की वजह से। और अगर ये कहीं और भी मैरिड रिलेशनशिप में, मीन्स आपका एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप है, या फिर आप सिंगल हो रहे पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन के लाइफ में जब तक थर्ड पार्टी रहेंगी तो इनके ऊपर ये बोझा रहेगा ही रहेगा। ये पर्सन आपकी टूवर्ड्स आएंगे बट आपको कम्प्लीटली कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, इस बात के ऊपर आप श्योर नहीं हो। दैट्स वाई आपके लिए पर्सन हमेशा थर्ड पार्टी के वजह से चीटिंग करने वाला पर्सन ही साबित रहेगा, और ये बात आप अच्छे से समझ गए हैं। भले ये पर्सन आपको छोड़ नहीं पाते, आप इनको भूल नहीं पाते हो, आप दोनों को एक दूसरे के साथ काफ़ी अटैचमेंट है, बट ये बात ऐसी है कि जहाँ से ना कोई सोल्यूशन आगे निकल रहा है, या तो रिलेशनशिप छूटा जा रहा है, ऐसे ही बीच में फंसे हैं। आपके पर्सन है थर्ड पार्टी को लेके बैठे, उनको छोड़ नहीं पा रहे, और आप ऐसे हैं कि आपके पर्सन को भूल नहीं पा रहे, आपके पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे। गुस्से में आकर भले ही आप कितने ही बोल देते हो कि हमने छोड़ दिया, हमने ब्लॉक कर दिया, बट अंदर ही अंदर मन से आप उनको कभी निकाल ही नहीं पाए हैं। तो ये ट्रस्ट इश्यूज बैरियर, कुछ इमोशनल बैरियर मुझे ज़्यादा लग रहा है, और इमोशनल बैरियर की वजह से काफ़ी सारा एक प्रेशर, इमोशनल प्रेशर ही आप झेल रहे हैं। ऑल ऑफ द प्रेशर तो होते ही होते, जैसे कि काम हो गया, वर्क हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, पैसे कमाना, लोगों की ज़रूरतें पूरे करनी, ये बात तो बाद में आती है, बट इमोशनल प्रेशर आपको बहुत थका दे रहा है। आपके पर्सन आपको अप्रोच भी करते तो आपको लगता है कि एक चीटर की बात आ गई, ये चीज़ है। आपके पर्सन इमोशनली आपसे काफ़ी अटैच है, बट ये कैसे भी हो, बट ये पर्सन आपसे इमोशनली ज़्यादा अटैच है। आपके पर्सन इमोशनली इनको लगता है कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है, ये आपके साथ ऐसे ऐसे सपने देखते हैं कि जैसे एक फैमिली, बच्चे, एक हंसता खिलता परिवार है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे कुछ इमोशनल बातें, इमोशनल होकर कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करें, आपसे खुलकर बात करें, जिस टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाहते थे इसके ऊपर आपके पर्सन आपसे खुलकर बात करें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पर्सन भी इमोशनली आपसे अटैच थे। अब आप बोलेंगे जबकि आपके मन में आप कमिटमेंट की बात लेके बैठे हो तो इमोशनली अटैच होंगे, इस बात से आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बट आपको एक थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप जाके चीज़ें सोचनी चाहिए थी कि धीरे धीरे खुल रहे, इमोशनली आपको जांच रहे। इनको आपके साथ किसी भी फाइनल कमिटमेंट में आने से पहले आपके पर्सन के साथ आपका इमोशनल बॉन्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि रिश्ते की नींव जो होती है वो किसी इमोशनल बॉन्डिंग से ही जुड़ी रहती है, और जब यही नहीं रहे प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आपके पर्सन आपसे जुड़ भी जाते हैं बट वहाँ पे कोई इमोशंस ही नहीं है, उस दीवार में कोई इमोशंस के ही नहीं है, इमोशंस की कोई एक भी ईंट नहीं है, तो वो दीवार खड़ी कैसे रहेंगी। तो यहाँ पे इमोशंस होना ज़रूरी है, तो आपके पर्सन आपसे इमोशनली भी कनेक्टेड होते हैं, तो उसको इतना आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ये भी बात बहुत बड़ी हो जाती है आपके लिए। थ्री ऑफ सोर्ड यहाँ पे दो बार आएगा, इस थ्री ऑफ सोर्ड को वेरीफाई कीजिए। हाँ जी, आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, क्लैरिटी मिलेंगे। एस ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ सोर्ड के साथ नीचे भी एस ऑफ सोर्ड से आया था, सब बातें क्लियर होंगी, आप भी इनसे सारी बातें क्लियर कट पूछने वाले हैं, और ये भी आपको क्लियर कट आंसर देने वाले हैं। अगर इनकी गलती थी तो गलती भी मान लेंगे कि यस इनसे गलती हो गई थी, सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो गए थे थर्ड पार्टी से और वहाँ पे चले गए थे, इसकी वजह से चीटिंग हो गई थी, ऑप्शन उन्होंने लाए थे, आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी, सब बातें एक्सेप्ट भी करेंगे, क्लियर भी करेंगे। आपको लेकर आपके पर्सन काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, एक कॉन्फिडेंट होकर आपके पर्सन आपके आपसे बात करते हुए दिख रहे। स्टार भी मैंने ले लिए सारे कार्ड, आए थे बहुत ज़्यादा पर मुझे लगा होंगे शायद मैसेज। हाँ जी, आपने भी इनको डिटैच करके रखा है, क्योंकि देखिए ये बार बार जो झगड़े होते हैं आपके पर्सन आपको लिंको भी नहीं कर पा रहे हैं और आपके लिए कोई स्टैंड भी नहीं उठा रहे, दैट्स वाई ना आप इनको डिटैच करके रख रहे हैं, क्योंकि दिमाग का जो भरता बना के रखा है ना इन्होंने आपका, वो आपसे बार बार सहन नहीं हो रहा है। बट शायद ये पर्सन एक पावरफुल एक्शन के साथ ये भी आ रहे आपसे एक आशा की उम्मीद जगाते हुए आ रहे, और आपको भी लगेगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब कब को बोलते हैं, बट आप इनसे ज़्यादा झगड़े मत करो। मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मुझे लगता है कि रिश्ता एंड हुआ है आपके पर्सन का, किसी थर्ड पार्टी के साथ जो कुछ भी रिश्ता था वो एंड हो चुका है। ये पर्सन जस्टिस देने के लिए, न्याय देने के लिए आपके पास आ रहे एक शिफ्ट के साथ, मेजर शिफ्ट के साथ, जो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है, जो आपके लिए काफ़ी विश फुलफिलमेंट वाला है। उस एनर्जी के साथ ये पर्सन इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड होते आ रहे, अनकंडीशनल लव, प्योर लव, अगेन इस ऑफ कप, देखिए जस्ट क्लेम दिस एनर्जी, ऐसा कप विद सन एंड एम्प्रेस, क्या ही बोलो, बिग 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 चांसेस है आपके पर्सन आपके लाइफ में आ रहे, वो ट्रू अनकंडीशनल लव के साथ आ रहे। देखिए चीज़ें गलत हो गई थी, एक ही रात में कोई भी चीज़ें सुधारी नहीं जा सकती, हर जख्म भरने के लिए भी हमें टाइम देना पड़ता है, वैसे आपको भी थोड़ा ओपन माइंडेड होकर इनको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे टू ऑफ कप की भी एनर्जी आई है, आई थी दो बार, ऐसे ऑफ कप की भी एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे अच्छी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो आपके पर्सन एक अच्छे एनर्जी सेंस में है, टू ऑफ कप को प्रेफर कर रहा है डेविल एंड वर्ल्ड कार्ड। देखिए अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ किसी भी कनेक्शन में है और अगर आप इनको रोक सकते तो रोक लो, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर कोई स्पेल तंत्र हो सकता है, जैसे कि थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पर्सन कहीं जाते हैं खाना पीना करते हैं उसके हाथ से, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड पार्टी को एक आग भी निभाने वाला कि आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आ गए, आपके साथ इनका अच्छा रिश्ता जा रहा है, आपके साथ इनका बॉन्डिंग अच्छे से बढ़ रहा है, थर्ड पार्टी को एक आग निभाएगा। थर्ड पार्टी दूर डिस्टेंस से मुझे लगता है कुछ स्पेल या फिर एविला आप दोनों के जोड़े के ऊपर सेंड करने वाली हैं, बट यहाँ पे विक्ट्री आपकी मुझे दिख रही है, विक्ट्री आपकी होने वाली है। वो जो भी कुछ करेंगे, क्योंकि लोग रहेंगे यहाँ पे, एक टॉक्सिक मुझे लोग दिख रहे हैं जो आपके पर्सन के कान भरना या फिर आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करेंगे या फिर अभी भी कर रहे हैं, बट वहाँ पे विक्ट्री आपकी होगी। एस ऑफ सोर्स क्लेरिफाइड बाई सेवन ऑफ पॉइंट्स एंड नाइन ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पे भी एस ऑफ सोर्स आया था, वहाँ पे भी सेवन ऑफ कप आया था। ऑप्शंस को लेकर आप काफ़ी इनसिक्योर है, आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख रहे हैं और आपको इनके ऊपर ज़रा भी भरोसा नहीं कि ये पर्सन ऐसा कुछ आपके लिए करेंगे नहीं, बट इस बार आपके पर्सन हर चीज़ को लेकर आपको काफ़ी क्लैरिटी देंगे, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा जिसमें प्यार होगा, ट्रू लव होगा, और जो कुछ भी चीज़ें गलत हो गई थी उसको लेकर माफ़ी होगी। तो ये पर्सन करंट एनर्जी में आपके लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ आइए और मुझसे जुड़ जाइए, मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक उड़ देख रहे हैं तो उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है, प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। एक मैसेज ये भी था कि गाइस कि आपके पर्सन आपके ट्रू लव से काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे।
वापिस आ रहे गाइस, लिख लो मेरी बात, ये वापिस आ रहे, कोई मैरिज कपल देख रहा है, ये सब की सेलिब्रेशन की बात आ गई। फोर ऑफ वैंड्स, ट्विन फ्लेम है, ट्विन है किसी का, मैरिज ही कहीं और, बट वो आ तो रहा है आपके लाइफ में दोबारा। रही कार्ड ये चैरिट का आया था, कौन आ रहा है, जो गोस्ट कर रहा था, डिटैच करके रखा था, ब्लॉक करके रखा था, ज़्यादा बात नहीं करता था, वो आ रहा है। फैमिली की बात होने वाली है, फैमिली रिलेशनशिप को एक्सपांड करने की बात हो गई, या फिर फैमिली बनाने की बात एक्सपांड होगी। यहाँ पे हीलिंग ले रहे क्या आप? यस, हीलिंग ले रहे तो बात सक्सेसफुल होने वाली है, या तो आप लेंगे या तो आप ले रहे हैं ऑलरेडी। आपके पर्सन की इंट्यूशन कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई अप होने वाली, एक विजडम की एनर्जी में आ जाएंगे आपके पर्सन, मैच्योर एनर्जी में आ जाएंगे, और बहुत ही पॉजिटिव वे में आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। ऑप्शन इनके लाइफ में हैं, अब ये ऑप्शन ऐसे कि जिनको आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, अगर ये आपके लॉज वाले लोग हैं तो ये आपसे छूटेंगे नहीं, बट हाँ आपकी कंप्लेन थी कि आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर को ही देखने रहते, आपके फ्यूचर के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, तो आपकी तो विश ग्रांट होने वाली है, ये पर्सन आपके आप ही के साथ रहेंगे, ऐसा नहीं कि ये किसी को ये चीज़ करेंगे, बट ऑप्शन जहाँ तक मैं देखो तो लगातार ऑप्शन आपके पर्सन ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसा करेंगे आपके पर्सन जिससे आपको लगेगा कि आपकी दुनिया फिर से इनके साथ कंप्लीट हो गई है, और आप इनके साथ हर रिश्ते निभाने के लिए आप भी रेडी हो गए हो। ऑप्शन तो ख़त्म होने वाले हैं गाइस, अभी के लॉज आपके लॉज वाले हैं, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन ऐसा निकलेगा जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अकेलापन था, बहुत लैकअप था आपके लिए, आपके भी लाइफ में, आप भी आपके पर्सन को बड़ी याद करते थे, इनका इनके बिना आपको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। सेम सिनेरियो आपके पर्सन का भी था, एक विक्ट्री के साथ आपके पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहे, इस रिलेशनशिप के ऊपर काम भी करेंगे। कोई फाइनेंस के वजह से चला गया था तो शायद उसका फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, फाइनेंस अच्छा हो जाने के बाद शायद हो सकता है कि रिश्ते की बात करने के लिए ये आपके घर आए, आपके फैमिली को बनाए। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे डेविल, स्पेल के इफेक्ट में अगर आपके पर्सन हैं तो देखिए ये चीज़ें, इसकी वजह से पर्सन बड़ा रूडा रूड बिहेवियर आपके साथ करते थे या फिर करेंगे आगे, ऐसा कुछ करेंगे तो देख लेना, या तो इनका नेचर ही बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, बिसे हुए, ये बात बात पे गुस्सा करते हैं, या पे किसी के लिए गाली गलौज करना या फिर पिटाई करना, ये भी चीज़ें करते हैं आपके पर्सन, तो इसके लिए इनसे हर कोई बच के चलता है। और ये या फिर आपके फैमिली में एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी बुजुर्ग है, कंट्रोलिंग है, इनके हाथ में पावर है, बट ये काफ़ी बिजी भी, अच्छे से बात नहीं करते, बहुत रूडली बात करते और सब इनको डर डर के रहते हैं, खास कर उन लोगों के लिए अगर एक मैरिड कपल में जिनके ससुर जैसे कुछ है, या तो ये सिंगल पेरेंट सिंगल कोई देख रहा है, और आपके पर्सन के घर में कोई ऐसा है जो काफ़ी कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, ऐसा ऐसे पर्सन के इफेक्ट में आपके आपके पर्सन हैं, और आपके पर्सन इनके बाहर जाकर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो हो सकता है कि आपके पर्सन इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने मना भी लिया हो आगे चलकर। दूसरी बात मुझे लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी ही कुछ आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसा करे जिसके आपके पर्सन फिर से आपसे रूड बिहेवियर करने लगे और ये आपको आपके साथ गलत बिहेवियर करने लगे। बट नेक्स्ट एक्शन में अगर किंग ऑफ सोर्स के साथ में डेविल को जोड़ूँ तो मुझे लगता है डेविल के एनर्जी को आपके पर्सन कट कर देंगे, क्योंकि आपके पर्सन की हो गई अवेकनिंग, हेरोफेंट भी आया यहाँ पे, हाई प्रेस्टेज भी आया है। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पर्सन का हीलिंग दे रहे हो, तो ये हीलिंग काम आने वाली है, आपके पर्सन उनके ऊपर होने वाली हर निगेटिव एनर्जी को काट के फेंक देंगे बाहर। मैसेज तो बहुत गहरे आ रहे हैं, बट रिलेशनशिप में इतने गहरे मैसेज मैं नहीं दूंगी। जब हम कोई लाइव सेशन करेंगे ना, तब हम कार्ड का एक बहुत ज़्यादा डिटेल मैसेज में हम लोग जाएंगे। टेन ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटेकल, तो यस आपके साथ फैमिली तो बनाते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप आगे लेके जाएंगे, ट्रेडिशनल मैरिज है तो ट्रेडिशनल मैरिज आगे चलकर बहुत अच्छा जाने वाली। अब यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स एंड हेरोफेंट में देखो तो यहाँ पे एक बात क्या हो रही है ना, किंग ऑफ सोर्स एंड डेविल की बात मैं बोलूँ, शायद कम्युनिकेशन में आपके पर्सन आपको बहुत कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपसे कुछ ऐसी बातें मनवाएंगे जो आपको माननी नहीं चाहिए इनकी कुछ बातें, ये भी एक बात आ गई कि कम्युनिकेशन थोड़ा मैनिपुलेटिव कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये पर्सन कहीं स्पिरिचुअल मेंटोर है तो देखिए एक आई एम सॉरी टू से यू बट बोली देती हूँ ये बात, आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत पाखंडी है, क्योंकि लोगों को जो बात बोलते हैं, अगर ये स्पिरिचुअल मेंटोर है या फिर कुछ ऐसे पर्सन है जो लोगों को काउंसिल करते समझाते,
तो जब लोगों को समझाते हैं तो वो बहुत आइडियल बनते हैं, बट असल में आपके पर्सन एक डेविल की एनर्जी में, और आपके पर्सन के दोनों फेस से आप अवगत हो, परिचित हो, तो आपको एक पाखंड लगती है पर्सन ऐसे। और कहीं ना कहीं आपके मन में बात आ गई कि ही इज़ मैनिपुलेटिंग यू अगेन, ये शब्दों का खेल खेलेगा, मुझे अपने शब्दों में ये करेगा, ये बात हो भी सकती है, बट देखिए इनके ट्रू इंटेंशन इतनी गलत नहीं दिख रहे मुझे आपको लेकर। इस बार इनके इंटेंशन यही है कि इनको आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना है, थ्री ऑफ फैंस के साथ। मैं बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ गाइस, क्योंकि अगर कोई पर्सन एक चीज़ बार बार करता है ना, तो ऐसा नहीं कि ये हमेशा 24 घंटे या फिर 12 मंथ 24 आवर्स ही गलत ही रहेगा। उसके मन में कभी ना कभी एक तो जेन्युइन थॉट आती ही आती है, वो थॉट में पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। सिर्फ इन्होंने ऐसा किया है उस लेबलिंग के साथ में ऐसा ही होगा, इस बात के ऊपर मैं नहीं जा रही। मैं चाहती हूँ कि आपके पर्सन का एनर्जी आप गहराई से जाने, डिटेल में जाके जाने, उनको अच्छे से परखे आप। क्योंकि अगर आप इस रिलेशनशिप को भूल ही नहीं पा रहे, इस रिलेशनशिप को ही लेके जा रहे हो, इतनी कठिनाई, इतनी परेशानियों के बावजूद, इतने ऑब्स्टेकल्स के बावजूद, तो मैं भी समझ गई कि आपको कितनी गोर अटैचमेंट है इस पर्सन के साथ। और जब इतनी अटैचमेंट है, भूल नहीं पा रहे, तो आपको इस रिश्ते की हर गहराई जाननी ज़रूरी है। दैट्स वाई इतनी डिटेल सेशन मैं लेती हूँ। यहाँ पे थ्री ऑफ फैंस को क्लेरिफाई कराए, नाइन ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ कप। हाँ, इन्होंने थर्ड पार्टी लाई थी सबसे, इस बात का बहुत गिल्ट इस पर्सन को आगे भी रहने वाला है, अपोलॉजी आपको मिलने वाली है। ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, हाई प्रिस्टेस क्लेरिफाई बाय वर्ड, बट यहाँ पे कुछ स्पेल मैजिक हो सकता है, थर्ड पार्टी करवा सकती है, डिस्टेंस से किसी एक ऐसे ब्लैक प्रैक्टिशनर से जुड़ सकती है थर्ड पार्टी, और पैसे देकर आपके ऊपर आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर सकती है। हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी ने कुछ लव स्पेल मैजिक किया हो, कुछ तंत्र क्रिया की हो, जिसके वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। इंटिट्यूली आपको ये बातें पता चल चुकी है, या तो आपने किसी से गाइडेंस लिए थर्ड पार्टी को लेकर, और थर्ड पार्टी के सारे भेद आपने जान लिए, या तो आप यहाँ यही ऐसे ही किसी यूट्यूब से जाकर कहीं से आपको इंट्यूशन मिल रही है, या तो किसी से आपने कंसल्टेशन की है, बट आपने एनर्जी डेफिनेटली जानी, और आप थर्ड पार्टी के सारे मनसूबे आप समझ गए हो। थर्ड पार्टी को शायद ये बात पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हो और आगे क्या करने वाले, इस बात का अंदाज़ा आपको हो गया है, और शायद आप अपने पर्सन को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हो। किसी ने ओपनली कर दी है, किसी ने इंटिट्यूली कर दी, कोई कोई एनर्जेटिकली चीज़ें जानकर खुद ही अपने अपने पर्सन को वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। पेज ऑफ वैंड का क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पर एट ऑफ का एंड बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स। जो पर्सन छोड़ के चला गया था, नेक्स्ट एक्शन में वो वापस आ रहा है, इमोशनली विड्रॉ कर लिया था, बट ये पर्सन उतने ही एम्बिशियस और फास्ट एनर्जी के साथ आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। थर्ड पार्टी की कोशिश रहेंगी आपके पर्सन को आपके टूवर्ड्स खींचने की, बट ये चीज़ें नहीं रहेंगी। सेवन ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेथ मून, बट यहाँ पे चोरी छिपे आपके पर्सन ऑप्शन को स्टॉप करेंगे। ये चीज़ें आप थोड़ा देख लेना, ये चीज़ें आप समझ लेना, शायद आप आपके पर्सन के ऊपर आप भी नज़र रखने वाले हो, आप आपके पर्सन की स्टॉकिंग करेंगे, और आप देखेंगे कि आपके पर्सन चोरी छुपे किसको स्टॉक कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, और अगर पकड़े जाते हैं तो बस खुद ही आप रिश्ते को एंड कर देंगे। डेथ को क्लेरिफाई कर रहे हैं आप सिक्स ऑफ सोर्ड। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ऑप्शन में ही रहते हैं, यहाँ तक की बात आते ही आपको अप्रोच नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, फैमिली नहीं बना रहे, स्टॉक आप करेंगे आपके पर्सन को, आपकी कंटिन्यू नज़र है आपके पर्सन क्या कर रहे, क्या अपलोड कर रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ घूम रहे, किस ऑप्शन के साथ मज़े कर रहे, ये सारा आप खुद ही इनको स्टॉक करेंगे। बट अंत में मुझे क्या लग रहा है ना कि डेथ के साथ सिक्स ऑफ सोर्ड्स एक एनर्जी एंड करके ये पर्सन आपके टूवर्ड्स तो आ रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे जस्टिस। यस, थर्ड पार्टी के साथ मुझे लगता है कि एक डिवोर्स की बात चल रही है, यू नो सोर्स थर्ड पार्टी की वजह से डिटैच इन्होंने कर दिया था, बट देखिए वो बोलते हैं ना डेस्टाइन कनेक्शन है तो डेस्टिनी मिलाने वाली है भाई, विधाता की ही ये बात है, विधाता की ही पहल है, तो विधाता ही आपको मिलाएगा। ये न्याय देने के लिए आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, इन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको कोर्ट शोर जो दिया था, गोस्ट किया था, वर्ल्ड की बात बताई इंजन वर्ल्ड, अरे क्या है मैं बोलो, यहाँ पे भी संत है शायद ना, कहीं तो संत नहीं, करंट एनर्जी में संत था। वर्ल्ड को क्लेरिफाई कर रहा है सन एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग पावरफुल, एक फाइनली एक एनर्जी साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा, पास्ट लाइफ का कुछ भी कर्मा धर्मा बचा कुछ आए सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा,
वापिस ये पर्सन आपके साथ आएंगे, ब्राइट फ्यूचर आपके साथ रहेंगे, बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बार बार ये पर्सन कभी आपको पेंटेकल ऑफर कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफर कर रहे हैं, कभी आपको इमोशंस ऑफर कर रहे हैं। तो ये पर्सन स्टेबिलिटी के साथ आते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्क लेंगे पर्सन रिलेशनशिप में, काम बहुत करने वाले हैं अपने मैरिज के ऊपर, या तो ऑलरेडी जिनके मैरिज हैं इनके ऊपर। यहाँ पर एक्सप्रेस की एनर्जी एक गुड न्यूज़ शेयर कर रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है फैमिली में किसी की शादी हो, इसके लिए जाते हुए या फिर ये सेलिब्रेशन एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, या फिर अपने फैमिली रिलेशनशिप को ज़्यादा सक्सेसफुल, हैप्पीनेस और ब्राइटनेस के एनर्जी में पर्सन लाएंगे। और अगर सिंगल है तो ये सही गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है कि आपके पर्सन आपके लिए ट्रेडिशनल मैरिज के लिए अप्रोच करने वाले हैं। इसके ठीक नीचे सिक्स ऑफ एंड भी है, तो मुझे लगता है गाइज आपका नेक्स्ट एक्शन भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जस्ट क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। देखते हैं फाइनल आउटकम क्या है। यहाँ के एंजल माइकल, यहाँ के एंजल रफाइल, प्लीज आइए और मुझसे जो चाहिए मैं जानना चाहती हूँ। मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं तो इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है प्लीज बताइए। यहाँ के एंजल क्वीन ऑफ कॉइंस, फोर ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ कप, स्टेबिलिटी तो मिलने वाली है भाई आपको सेलिब्रेशन। हाँ यहाँ पे कोई मेडिटेशन कर रहा है, हीलिंग कर रहा है, हीलिंग हो गई है, हेल्थ इश्यू चल रहा है तो उसमें भी रिकवरी हो जाएगी। टेन ऑफ सोर्स एक पेनफुल साइकिल था वो एंड हो जाएगा। सेपरेशन की वजह से, धोखे की वजह से लंबे समय से किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे थे उसमें आ जाएगा सुधार। एक स्ट्रेंथ, एक पावरफुल एनर्जी में आ जाएगा आपका रिलेशनशिप। एक बुरा दौर था ख़त्म हो गया है, ये पर्सन वापस आ रहे हैं, रिकन्सिलेशन रीयूनियन की बात आ रही है। यहाँ पे जो फ्रेंड्स के साथ टू ऑफ कप, यस ये पर्सन आपके रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, एफर्ट लेंगे, एक्शन लेंगे। हुआ था कुछ गलत, हुआ था कुछ बुरा, उसको आपको भी भूल जाना है, ज़्यादा बात लेनी नहीं है, क्योंकि कुछ छोड़ के चलेंगे तभी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। एम्प्रेस का कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, नाइन कार्ड्स लेने थे तो यस वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी आ गई गाइस, वेरी ब्यूटीफुल। एक गुड न्यूज़ आ रही है, यूनियन तो हो रहा है यहाँ पे आप दोनों का, और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं आप। नाइट ऑफ का प्यार से मिलने वाला है भी, लव वाला बहुत ब्यूटीफुल अप्रोच आपको मिलने वाला है आपके पर्सन से। हाँ क्वीन ऑफ कॉइंस को क्लेरिफाई कीजिए एंजल, क्वीन ऑफ कॉइंस को यस हैंग था, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, कुछ भी चीज़ें नहीं दे रहे थे, या फिर कोई ऐसी थर्ड पार्टी थी, ब्लैक मैजिक करती थी, या फिर बहुत टॉक्सिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन के या फिर आपके रिलेशनशिप में थी, जिसके वजह से ये रिश्ता हैंग हुआ था फाइनल। या फिर ऐसा कोई पर्सन है जो इस रिश्ते को नज़र लगा रहा है, कोई ऐसी महिला है जो काफ़ी ग्रीडी है, सेल्फिश है, और वो चीज़ वो हमेशा कोशिश करती हैं, आगे भी करेंगे कि आप रिश्ता, आपका रिश्ता या तो ख़त्म हो जाए या तो आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए लटक जाए। एक बुरे इंटेंशन के साथ कोई इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। मैं इस डेक से देखूंगी क्या जो कोशिश कर रहा है वो सक्सेसफुल होगा। वैसे एनर्जी तो आई है ये चीज़ों का एंड होने वाला है, फिर भी हम लोग एक बार क्लेरिफाई कर लेते हैं क्या ये चीज़ें सक्सेसफुल होंगी, जो ये चीज़ें कर रहा है क्या ये चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। नहीं, आप बचे हुए हैं, आप प्रोटेक्टेड है आप, यस ये आपके हेल्थ के ऊपर चीज़ें चल रही हैं जी, बट ये हीलिंग कोई ले रहा है या तो आपको देखिए ले रहे हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर चीज़ें कोई कर रहा है, कोई पैसे देकर आपकी हेल्थ ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर स्पेल कर रहा है, सेपरेशन मोड कोई चाहता है, बट यू आर प्रोटेक्टेड। ये सारी निगेटिव चीज़ें ही ख़त्म हो जानी है, यू आर प्रोटेक्टेड। फोर ऑफ सोर्स हीलिंग की बात आ रही है यहाँ पे, फोर ऑफ, अरे बाप रे क्या मैं फोर ऑफ सोर्स, ये देखिए नाइन ऑफ सोर्स क्या चीज़ें हैं भाई, देखना पड़ेगा अच्छे से। ये बार बार फोर ऑफ सोर्स क्यों आ रहा है, व्हाट यू वांट टू से मी एंजल प्लीज बताइए। देखिए ओके गाइस, बहुत ही स्ट्रांगली कोई आपका सेपरेशन मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली कोई आपके हेल्थ के ऊपर स्पेल कर रहा है,
मैनिफेस्ट कर रहा है। लगातार 24 घंटे कोई आपका ब्रेकअप हो जाए, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, आप मिट जाए, आप ख़त्म हो जाए, ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है। बट ये होगा नहीं, ये भी बात आप स्ट्रांगली रख लो। अभी से आप अपने लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन लेना शुरू कर दो। जिस भी मजहब से जुड़े हैं वही से डिवाइन सपोर्ट आपको लेना है अभी से। डिवाइन से बढ़कर कोई भी बुरी चीज़ नहीं होती है, भले हमें टाइम लगता है बट अंत में सत्य की विजय होती है। अपने पेशेंस रखने हैं, हौसला हारना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली आपकी रिलेशनशिप को कोई एविलाय दे रहा है, कोई इस तरीके से कोई अपनी जिद पे अड़ा के उसके आपके साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप अच्छा होने ही नहीं दे रहा है। और बात ये आपके सेपरेशन के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर बात आ रही है। लंबे समय से सो नहीं पा रहे, बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो, चीज़ें गलत जा रही हैं, आपको कुछ भी सुकून नहीं मिल रहा है, तो समझ लो ये कोई मैनिफेस्ट कर रहा है आपके अगेंस्ट। मैंने क्यों बोला वर्कआउट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 9 नाम पे एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट आप ही की होने वाली है। जितना स्ट्रांग कोई आपके ऊपर कर रहा है उतना स्ट्रांग आपको बनना पड़ेगा। मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे पछतावा, गिल्ट, सेपरेशन, ये चीज़ें होने वाली हैं। ये आपकी बात मैंने बोल दी, आपके पर्सन को इस बात को लेकर गिल्ट रहेगा कि शायद इनके इसी रवैये के वजह से, इस धोखे के वजह से आप लंबे समय से बीमार रहे हो, लंबे समय से स्ट्रेस में जी रहे हो, एंजाइटी हो रही है, इंसोमिनिया के आप शिकार हो गए हो, रात को दिन, दिन का रात आपका हो गया है। ये पर्सन आपके आपके पर्सन ये बात अंदर से जानेंगे और उतना उतना आपके पर्सन के मन में गिल्ट रहेगा। बट यहाँ पे कोई थर्ड एनर्जी है जो आपके खिलाफ ये षड्यंत्र कर रही है, टेन ऑफ सोर्ट्स, और आपको लगेगा कि आपके पर्सन शायद ये चीज़ें कर रहे हैं, तो नहीं, आपके पर्सन आपको लेकर शर्मिंदा फील करते, ये करने वाला कोई और ही है। देखिए क्लैरिटी मिलने वाली है, आपके पर्सन सारी जो चीज़ें थी थर्ड पार्टी के साथ जो लेना देना था वो तो पेनफुल साइकिल आपका एंड होने वाला है। आपको बाद में क्लैरिटी मिलेगी, समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन का रिश्ता, अगर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक ही जगह पे काम करते हैं तो काम के अलावा इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और ये काम के जहाँ पे मिलते हैं वहाँ इसको लेकर आपके मन में शक होता है और स्ट्रेस एंजाइटी आप लेके बैठते हैं। बट इस बात को लेकर आपको आगे चलकर क्लैरिटी आएगी कि यहाँ से सिर्फ मतलब की बातें होती हैं, कोई रिलेशनशिप वहाँ पर डेवलप नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि काम के बहाने आपसे पर्सन से कनेक्ट होने की, बट शायद आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी का रिश्ता कोई आई ओपनिंग जैसा रहा हो, या ऐसा आई ओपनिंग था कि शायद आपके पर्सन फिर से थर्ड पार्टी में बहकेंगे नहीं। आपके पर्सन लंबे समय से थर्ड पार्टी से अटैच थे, इसका एक ही रीज़न था कि कोई स्पेल आपके पर्सन के ऊपर किया था, जैसे कि सेक्सुअल स्पेल, दैट्स वाई आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन जहाँ तक किसी किसी के पर्सन ने फैमिली तक बना ली है। बट धीरे धीरे करके ये इफेक्ट खत्म हो रहा है और चीज़ें आपके लिए थ्रेटन साबित हो सकती हैं, इससे पहले ही आप अपने लिए प्रोटेक्शन ले लें। आपके लिए यहाँ पे चीज़ें आ रही कि एक क्लैरिटी के साथ इक्वल गिवेंट एक आपको रिलेशनशिप में मिलने वाला है। स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स, आपको बड़े संयम से काम लेना पड़ेगा। देखिए अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के फैमिली है और ये इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं तो इस बात को लेकर आपको बिल्कुल भी अपना दिल छोटा नहीं करना है। आप दिल छोटा करेंगे तो एनर्जी आपके लिए कैसे वर्कआउट करेंगे, तो आपको अपना ब्रॉड माइंडसेट बनाना है। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आप अगर इनके फैमिली भी नहीं छोड़ रही, बट इनके फैमिली को आपके साथ रिलेशनशिप है ये पता है, तो ये जो फैमिली है इनके सामने तो शायद हो सकता है कि कुछ अलग प्ले कर रही है और आपसे एनर्जेटिकली खेल रही है। आपको ये बातें पता है कि ये जो फैमिली है कि इनके सारे फेस आपको पता है और आप समझा समझा के भी आपके पर्सन को आप समझा नहीं पा रहे, और ये चीज़ें ना, ये सारा बर्डन आप लेके चल रहे हो या फिर आगे आपके साथ ही हो सकता है। मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ कि जो चीज़ आप इनको समझा नहीं सकते तो वहाँ पे अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय वो एनर्जी अपने प्रोटेक्शन के लिए बढ़ा के रखो। क्योंकि अगर आपके साथ आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता फिर भी नहीं तोड़ रहे तो समझ लो डिवाइन ही कुछ चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को जुड़ा रहे। अब डिवाइन ये चाहते हैं तो डिवाइन सपोर्ट भी कर रही, पर डिवाइन का सपोर्ट आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप अपना हर चक्र ब्लॉक करके रख देते हो। आई नो इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लगता है ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, बट इस वक्त आपके साथ आपके पास उसके अलावा कोई सोल्यूशन भी नहीं दिख रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपको इस हार्ट ब्रेक के पेन से, इस अकेलेपन के पेन से आपको निकलना ही ज़रूरी है। या तो आपके पर्सन खुद आपको निकालेंगे, क्लैरिटी देंगे, सपोर्ट करेंगे, आपका सहारा बनेंगे, क्योंकि ऐसे करते हुए दिख रहे, या तो खुद आप इसे एनर्जी में आ जाएंगे। त्रिशूल
थ्री ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, टू ऑफ वैंड्स एंड थ्री ऑफ पेंटेकल, आपके पर्सन, थर्ड पार्टी और आप में से आप ही को चूज करेंगे। थ्री ऑफ वैंड्स थ्री थ्री की एनर्जी आ रही, हो सकता है अगले 3 दिनों में या फिर लकी वन के लिए 3 घंटे या फिर 3 वीक में आपके पर्सन आपके टोस्ट आ जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा 333 नंबर 444 नंबर दिख रहा है तो समझ लो इसे आपसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। 10 10 3 3 4 4 4 ये सिद्ध नंबर दिख रहे हैं तो ये से पर्सन आपको चॉइस करेंगे। आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है क्योंकि आप काफ़ी अट्रैक्टेड हो गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो। और देखिए नाइट ऑफ सोर्स को प्योरीफाई कर रहा है, इमोशनल बर्डन कोई लेके चल रहा है, इमोशनल बर्डन की वजह से कोई झगड़े भी कर सकता है, नहीं करना है क्योंकि जिन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपको इमोशनल बर्डन दिया है, भले ही आपके पर्सन ही क्यों ना हो या फिर आपके पर्सन से जुड़ी कोई थर्ड पार्टी, उनको अपना कर्मा मिलने वाला है। डिवाइन अपना फैसला लेंगे और डिवाइन का फैसला ये है कि ये पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्सल ब्लेसिंग मिलने वाली है, हीलिंग किसी को मिलने वाली है। यहाँ पे हीलिंग के कार्ड बोला और हीलर का कार्ड आ गया, कोई हीलिंग ले रहा है क्या? सच में मुझे लगता है हीलिंग ले रहा है क्योंकि जो स्टकनेस चल रही थी, लंबे समय से रिश्ता एक ही जगह पे स्टक हो गया था, कोई जानबूझकर इस रिलेशनशिप को स्टक कर रहा था और आपने इस रिलेशनशिप को स्टकनेस से निकालने के लिए किसी से हीलिंग ली रही, या तो खुद हीलर है या तो किसी से ली है, क्योंकि कोई इंटिट्यूली या फिर जानबूझकर इस रिलेशनशिप में इतनी दरारें डालने की कोशिश कर रहा है और जहाँ पे रिश्ता फंस भी गया है, अटक भी गया है, आपकी ओर से इमोशनल रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि भरोसा नहीं करना है, कॉल ऑन नहीं करना, और आपके पर्सन के ओर से फाइनेंशियली सकनेस आपके पर्सन को दी जा रही है। तो ऐसे दोनों सोर्सेस के ओर से ये रिश्ता अपने अपने जगह पे स्टक है और दोनों अपने अपने जगह पे स्टक है, तो सिर्फ एनर्जेटिकली या फिर थॉट प्रोसेस से ये रिश्ता आगे जा रहा है। तो इंटिट्यूली मैं आपको बोलूँगी कि आपको अपना भी काम करना है, या तो आपने किसी से हीलिंग ले सकते हैं या फिर आप खुद ही इस चीज़ के ऊपर काम करो। काम कैसे करो कि लेट गो कर दो, तो ज़्यादा चीज़ें सुनो मत या फिर सोचो मत, सकनेस निकल जाएंगी क्योंकि पेज ऑफ फ्रेंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है। फोर ऑफ टॉप कप को क्लेरिफाई कर रहा है, फोर ऑफ पेंटेकल एंड स्ट्रेंथ। यस, ये पर्सन लेट गो तो नहीं करेंगे, पकड़ के रखेंगे आपको, लेकर काफ़ी जेलसी भी फील करते हैं, इनसिक्योर भी हो जाएंगे। एम्प्रेस को क्लेरिफाई कर रहा है, फाइव ऑफ कप एंड एस ऑफ कप। अगेन यहाँ पे सॉरी माफी की बात आ रही है, ये पर्सन बहुत सॉरी फील करते हैं आपको लेकर, ये पर्सन आपके साथ इनिशिएट तो कर रहे हैं। 111 333 444 ये नंबर आपको दिखते हैं, तो ये 222 ये नंबर आपको दिखते हैं, तो समझ लेना कि एनर्जी आपके लिए, अरे सन की बात यहाँ पे फिर से आ गई, या आपकी एनर्जी में लगातार सन आ रहा है, तो यहाँ पे जीत आपकी होगी। भले किसी को कितना भी स्पेल करने दो, कितना भी खेलने दो, बट मेरी बात याद रखना, आपको जीत आपकी होगी। आपको डरना नहीं है, मायूस होना नहीं है, भरोसा रखना है। जहाँ पे इतना संयम रख लिया और थोड़ा संयम रख लो, तो चलिए अब लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। एंजल मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप? ईयर फ्रॉम नाउ अबंडेंस, इम्प्रूव हेल्थ, जी हाँ हेल्थ के ऊपर चीज़ें जा रही, कॉम्प्रोमाइज मत करो, पीसफुल रिजोल्यूशन, सक्सेस, वेरी गुड। देखिए सक्सेस आपके पास पे तो सक्सेस ही सक्सेस, बट यहाँ पे चीज़ें देखिए, हेल्थ के लिए कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, मैं बोल रही हूँ खुद मेरी हेल्थ खराब है, बट मैं स्ट्रेस बहुत ले रही थी, मेरे ऊपर वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा है, नॉट द राइट टाइम, अभी ये वक्त नहीं है, कुछ भी गलत सलत फैसला नहीं लेना है, टाइम के साथ चलो, पीसफुल रिजोल्यूशन आ जाएगा। जो मैंने आपको टाइम बोला है, इतने टाइम में हो सकता है आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट डिसीजन आ जाए। यू आर रेडी है, आप ईयर फ्रॉम नाउ किसी किसी के लिए आ रही है, 10 महीने के बाद लगती है मुझे ईयर पर, पर 10 महीने कम से कम, कंप्रोमाइज चीज़ें हो जाएगी, अवेयरनेस लाइफ में आ जाएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, या तो 3 4 या 10 वीक, या फिर 3 4 या 10 मंथ, या फिर 3 4 या 10 डेज, ये चीज़ें आपके लिए हो सकती है, सक्सेस तो आपको मिलने वाली है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग, रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।